गर्मियों में फ्रेंड्स जब कुछ चटपटा खाने को मन करे और घर का ये बोरिंग खाना घिया टिंडे तोरी बिल्कुल भी देखने का मन ना करे, तो उसके लिए आज मैं बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लेके आई हूँ फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे प्याज की सब्जी जो बहुत ही चटकारेदार है। फ्रेंड्स वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपकी जो चटकारेदार सब्जी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका, राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग जितनी वीडियोस हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। प्याज की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स इस तरह से हम छोटे वाले प्याज लेंगे, मार्केट में इजिली मिल जाते हैं, ठीक है। मैंने इसको अच्छे से छील लिया, अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको देंगे हल्का सा कट। ये देखिए इस तरह से नाइफ लेके हमने इसको काटना नहीं है, बस हाफ इस तरह से, ठीक है। सारे प्याज को इसी तरह से हम कट लगा देंगे। प्याज पे कट लगाने के बाद फ्रेंड्स इसको हम करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी थोड़े से मसाले, हल्दी, ताकि अच्छे से इसमें सारे मसाले रच जाएं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक। वैसे आप डायरेक्ट प्याज इस तरह भी डाल सकते हो हमारे ग्रेवी में, लेकिन इस तरह से क्या है सब्जी में, मतलब प्याज जो है फीका फीका नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डालूंगी जीरे का पाउडर, रोस्टेड जीरे का पाउडर है ये, आप बाजार में भी इजिली मिल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इसको मैरिनेशन को गीला करने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून कर्ड, ताकि अच्छे से ये मिक्सिंग हो जाए हमारी, जैसे हम कोई भी स्नैक मैरिनेट के लिए करते हैं ना वैसे ही। इस तरह से जो टेस्ट है बहुत बढ़ जाएगा, बस इसी तरह से। अब इसको रख देंगे हम फ्रिज में, ठीक है। अब फटाफट से देखते हैं टेस्टी टेस्टी इसकी ग्रेवी कैसे बनानी है। ग्रेवी बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंगे एक पैन में ऑयल अराउंड 2 टेबलस्पून, ठीक है। आप मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है फ्रेंड्स। बहुत ही गर्मियों में जब कोई ऑप्शन है ना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग फ्लेवर देने के लिए। अब आप देखते जाना हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बनेगी, ठीक है। थोड़ी सी हरी मिर्च, वो भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, थोड़े से हम छोटे डालेंगे और थोड़े से बड़े, ठीक है। आप कोई भी एक भी डाल सकते हो। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जीरा। सुनने में तो ये प्याज की सब्जी लगती है, लेकिन खाने में बहुत ही बढ़िया, मतलब मेरे तो गर्मियों में हर हफ्ते एक बार तो ये बनती बनती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे क्या ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो ऑप्शन क्या है, चलो जी प्याज की सब्जी बनाओ और बच्चे भी खुश, क्योंकि ये सब्जी बनती बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स, ये मैंने गार्लिक है इस तरह से स्लाइस किया है, आप चॉप भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया इस तरह से फ्लेवर आता है। अब ये बात तो आपको मालूम होगी, सब्जियों को हम जैसे काटते हैं ना उसका टेस्ट भी पता वैसे ही आता है। अब वैसे सुनने में बात अजीब है, लेकिन ये वाकई में ये फैक्ट है, मतलब सच्चाई है इसमें। अब इसको हल्का सा हम सॉटे करेंगे। लहसुन हल्का सा सॉटे होने पे फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे प्याज इस तरह से चॉप किया हुआ, आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हो, ठीक है। लो जी अब इसको अच्छे से हम, जैसे कि थोड़ा सा डार्क ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको सॉटे करेंगे। प्याज जैसे ही फ्रेंड्स हल्के से ब्राउन हो जाए हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे क्या थोड़ा सा कलर बहुत बढ़िया आएगा। अब हमेशा फ्रेंड्स मैंने आगे भी आपको बताया कि हमेशा जब भी मसाले हैं प्याज भूनने के बाद डालना चाहिए, टमाटर डालने के बाद बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज कलर नहीं आता, ठीक है। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, क्योंकि थोड़ी सी हल्दी हमने प्याज में पहले भी डाली हुई है, थोड़ी सी लाल मिर्च वो भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, और थोड़ा सा धनिया का पाउडर अराउंड 2 टीस्पून। अब फटाफट से सॉटे करेंगे और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर की प्यूरी, आप चाहे तो टमाटर क्रश करके भी डाल सकते हो, लेकिन टमाटर की प्यूरी से क्या होगा एक ग्रेवी बनेगी इस तरह से। ये मैंने 3 टमाटर लिए। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। अब जब तक कि ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता, यानी कि टमाटर के ऊपर नहीं आ जाता ना फ्रेंड्स, तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे, तभी तो टेस्ट आएगा हमारी प्याज की सब्जी में। बिलीव मी फ्रेंड्स इस सब्जी को घर पे जरूर बनाइएगा, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है अरे क्या है इसमें प्याज की सब्जी तो है, बट बिलीव मी जैसे गर्मियां हैं तो हम बोर हो जाते हैं ना वही खाकर, मटर पनीर कड़ी राजमा, बट ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है, और जिस तरह मैं सिखा रही हूँ मतलब सीरियसली आप हाथ चूमने का मन करेगा। अब आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने इसमें नमक नहीं डाला ग्रेवी में, इसके पीछे भी एक रीजन है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। सी फ्रेंड्स ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो मैरिनेटेड हमने अनियंस थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही प्याज डाल दो हम इसमें डालेंगे दही, और वो भी बीट की हुई, मतलब अच्छे से चम्मच से मिक्स करके, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। दही से टेस्ट जो है ना फ्रेंड्स बहुत बढ़िया आएगा, एक तो ग्रेवी भी थिक होगी और मोर ओवर बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा।
अब इसको अच्छे से हम 5 से 10 मिनट के लिए सिम गैस पे पकाएंगे। बहुत ज्यादा हार्श मिक्सिंग नहीं करनी, अदरवाइज हमारे प्याज जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है, इसी स्टेज पे अब इसको ढककर रख देते हैं। ये लो जी, अब इसको 10 मिनट के लिए सिम गैस पे पकाते हैं। 10 मिनट हो गए फ्रेंड्स, लेट्स सी हमारी प्याज की सब्जी कैसी बनी है। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है फ्रेंड्स। अब इसको इस तरह से कोई भी आप करछी लेके हल्का सा टच करके देखिएगा, अभी भी हल्के से गले नहीं है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा हमने इसमें नमक नहीं डाला। नमक हमने इसलिए नहीं पहले डाला क्योंकि हमने इसमें डालना था दही। लोगों की फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कंप्लेंट होती है कि हम जब नमक डाल देते हैं दही वाली ग्रेवी में तो हमारी दही फट जाती है, तो इसलिए हमेशा नमक एंड में डालना चाहिए। ठीक है, दही कभी भी नहीं फटती। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि हम नमक पहले भी डाल चुके थे। अब इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है, लेकिन मिक्सिंग के दौरान आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने बहुत ज्यादा ओवर नहीं करनी ताकि प्याज हमारे टूट जाएंगे। हमने इसको इस तरह से साबुत ही रखना है। अब एक चीज और करेंगे फ्रेंड्स, जैसे आप नोटिस कर रहे हो ग्रेवी हमारी थिक हो रही है, लेकिन प्याज अभी भी हमारे मतलब एटलीस्ट 10 मिनट और लगेंगे इसको सिम गैस पे। तो मैं इसमें 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ। हम दही के साथ भी डाल सकते थे, लेकिन मुझे था कि पहले दही अच्छे से देख लेते हैं कितनी जरूरत है, उसी हिसाब से हम बाद में डालेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा दही मत डालना अदरवाइज खट्टी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सिम गैस पे अगेन 10 मिनट के लिए पकाते हैं। ये रही जी हमारा लेड, 10 से 15 मिनट हो गए फ्रेंड्स, लेट्स सी हमारी प्याज की सब्जी कैसी बनी है। ओहो, कितनी बढ़िया रंगत आई है। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, ये ना हो करछी आप मारते रहो। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, मेन बात देखने वाली है कि प्याज हमारा गला है कि नहीं, सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से इसको उठाकर अच्छे से हम चेक करेंगे। ये देखिए प्याज हमारा अच्छा से सॉफ्ट हो चुका है, बस हमने बहुत ज्यादा नहीं करना अदरवाइज ये टूट जाएंगे। अब सब्जी हमारी बन चुकी है, अब इसमें मैं डालूंगी गार्निश के लिए ऊपर से थोड़ा सा धनिया। बहुत से लोग फ्रेंड्स मलाई भी यूज करते हैं, क्रीम भी यूज करते हैं, आप वो भी एक चम्मच इस टाइम डाल सकते हो, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लग रही बिकॉज हम इसको सिंपल सब्जी रहने दें तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि ये कोई शाही सब्जी तो है नहीं। ठीक है, हम गर्मियों में जैसे कहते हैं ना, भगवान ने बोला कि हल्की सब्जियां खानी चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, हैवी भी खाओ लेकिन वंस इन अ वाइल। ठीक है, अब ये होगी जी हमारी प्याज की सब्जी रेडी, अब इसको करते हैं सर्व। टेंटेड है, तो रेडी है हमारी प्याज की सब्जी। ओहो, कितनी टेंटिंग लग रही ना फ्रेंड्स, सी क्या कलर आया, और टेस्ट भी बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को घर पे ट्राई जरूर करना, अगर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलना।